तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा अपडेट। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में छोटी सरकार चुनने को लेकर जो सत्ता का महासंग्राम जारी है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चुनावों के वोट का डालने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे ये चुनाव भी और भी मिजाज पकड़ रहा है। आज हम मिलवाएंगे आज हमारे खास कार्यक्रम के खास मेहमान वार्ड 8 से विकास छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जानेंगे उनके वार्ड का क्या विजन प्लान है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक प्रचंड जीत दर्ज की थी और हमेशा से INLD का ये जो वार्ड है वो गढ़ के तौर पर जाना जाता रहा। इस बार भी वहाँ पर हॉट सीट के तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। सबसे पहले विकास जी, आपका तेज हरियाणा पर सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार सभी को जी। छाबड़ा साहब, पहला सवाल है, किस तरीके का रिस्पॉन्स रुझान आपको लोगों का मिल रहा है आपके वार्ड में? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है हम सबको जी, क्योंकि ये एक परिवार जैसे हमारा रिलेशन है सारे वार्ड के साथ। वार्ड नंबर 8 लगा लीजिए, 9 लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, एक परिवार ही हमारा सभी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं। विकास जी, क्या सबसे बड़ा आपका जो मुद्दा है यहाँ पर, किस मुद्दे को लेकर छाबड़ा साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे लगा लीजिए शहर की जो गलियाँ रहेगी वार्ड की, उनको ठीक करवाने के लिए हो गया, मेन तो पानी सप्लाई का हो गया, सीवर व्यवस्था होगी, बस इनके मेन एक आवारा पशुओं वाला है जी, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर पहले प्लान में आप ही यहाँ से जीत दर्ज कर आप पार्षद बने थे, आप कितने सेटिस्फाई अपने आप को मानते हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको एक परिवार की तरह लगता है, इस बार कोई आपको लगता है टफ है मुकाबला? मुकाबला तो मुकाबला ही होता है जी, एक बात कहें, पर इतना नहीं लग रहा टफ वगैरह, ऐसे नॉर्मल बढ़िया है अभी, खूब रिस्पॉन्स है लोगों का भी, किसी को जाते हैं तो पूरा जैसे शाबाशी मिलती है, हौसला बढ़ाते हैं पूरा महाराज जी। सर, क्या लगता है, क्या ऐसी मुख्यतः छोटी समस्याएं हैं जो आप हल करना चाहते हैं, आप उन पर काम करना चाहते हैं? हल तो मेन यही बस, जैसे पानी वगैरह की सप्लाई सही हो, अरे पानी साफ आ जाए, एक तो ये जरूरी है, एक आवारा पशुओं का जो सबसे है, क्योंकि ये ऑन रोड रह गया वार्ड सारा जी, तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे जी, कोई ना कोई दिन में एक आधी ऐसी छोटी बड़ी एक्सीडेंट होता रहता है, आवारा पशु से बाइक हो गया, कभी क्या हो गया जी, तो दिक्कत मेन वही है जी आवारा पशुओं का। ठीक है सर, क्या लगता है इस बार 8 नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड की बात कर लें, ये पूरे शहर में एक INLD के गढ़ के तौर पर जाने जाते हैं और हॉट सीट बने हुए हैं, ये हॉट सीट में चुनाव लड़ना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, तो क्योंकि एक ऐसा लगता है मुकाबले में आपका, हाँ। बीजेपी सबसे जो कहते हैं वो मुकाबला देखने वाला है यार, तो वो अच्छा लगता है भी, हाँ भी अपना मुकाबला सब इंतजार कर रहे हैं, अपने भी वेट करते हैं। आपको लगता है चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जजपा भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो अपने तमाम बड़े नेताओं को लेकर सिर्फ सीधे आपके वार्ड में पहुँचते हैं, सबसे पहले जनसभा वहीं रखी जाती है? हाँ जी, सही बात है जी, डॉक्टर साहब आप लगा लीजिए, श्री डॉक्टर KV सिंह जी लगा लीजिए, उन्होंने पूरा जोर लगाते हैं आए बार, जैसे ताऊ जी तो कई टाइम से लड़ रहे हैं, उनके ये 6वां प्लान है अभी, तो वो डॉक्टर साहब स्पेशल ही बैठते हैं इस वार्ड में, पूरा जोर लगाते हैं अपना। आपको लगता है कि ये INLD के गढ़ में कोई सेंधमारी करने में कामयाबी मिलेगी किसी पार्टी को? ये INLD गढ़ के परिवार क्या है जी हमारे जी, जरूर हमारी पार्टी INLD है, हम उसी के तौर पे जाने जाते हैं, हमारी पहचान वही है, पर ये चुनाव परिवार का रहा है तो परिवार के हिसाब से लड़ा जाता है जिसमें जी, तो एक गढ़ तो चाहे INLD का लगा लीजिए, किसी का मर्जी का लगा लीजिए, पर है ये परिवार का चुनाव ही एक सारा जी। आपको क्या लगता है, आपके ताऊ जी इस बार बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हालांकि वो पहले भी चेयरमैन रहे हैं, इस बार जो छोटी सरकार में चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव पहली बार हो रहा है, ये नई बात है, कैसे देखते हैं अपने ताऊ जी के मुकाबले को, क्योंकि हर ओर चर्चा इस बार टेकचंद छाबड़ा की जी? टेकचंद छाबड़ा एक नाम लगा के चली, जो बंदे ने अपना सब कुछ इस समाज सेवा पे लगाया एक तरह से, क्यों लोग कभी कुछ बोलते हैं उनके बारे में, कभी कुछ बोलते हैं, पर उस बंदे को आप देखें तो उसके पास सिर्फ एक समाज सेवी के तौर पे ही काम करना उन्हें जरूरी सोचा है। पिछले 6-5 प्लान हो गए, आज तक ताऊ जी कभी हारे नहीं, अगर आप कहें तो कभी 8 वार्ड, कभी 9 वार्ड, कभी 10 वार्ड, आज तक ताया जी जितने ही हैं, तो उनका देख के ये लगता है कि पूरा बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा ताया जी को और भारी मतों से जीतेंगे वो जी। इस बार हर पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है, NDC का है और कमीशन की बात हो रही है,
और आरोप आपके ताऊ जी पे भी कुछ पार्टियां लगाती है कि कमीशन तो उनको भी चाहिए, कैसे देखते हैं? एक छवि यह है कि वो आधी रात को भी लोगों के साथ चलने को तैयार रहते हैं। हाँ जी, ताऊ जी ने कभी किसी को मना नहीं किया, कोई छोटा बच्चा हो 15-16 साल का आगे उसका काम है, या कोई 50-60 साल का बुजुर्ग आगे, ताऊ जी कभी किसी को मना नहीं करते भी। जो हमारे से होता है हम पूरा सहयोग करते हैं, नहीं हो सकता काम फिर भी हम उसके लिए जाते जरूर हैं, मेहनत करते हैं भी हमसे जितना भी हो सके। और एक करप्शन की बात, तो पहले बात तू सरकार JJP और BJP की है, सारा इनका ही है, महकमे वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह सभी इनके हैं, सरकार ऊपर इनकी है, नुमाइंदे इनके बैठे हैं, और करप्शन करेंगे हम कैसे कर सकते हैं? ये खुद आप मिली जुली सरकार है अपनी, खुद करप्शन करते हैं वहाँ पे और नाम हम पे लगा देते हैं भी, वो खा पी के बस हमारा नाम लगा दिया इन्होंने ताऊ जी का। तो कैसे लगता है, बहुत टफ मुकाबला पूरे शहर में है इस बार, मतलब सीधे तौर पर टक्कर हो रही है, लोग चुनेंगे इस बार, और आपके ऊपर तो डबल दायित्व है कि आपने अपने वार्ड में भी क्लीन स्वीप करना है और ताऊ जी का ख्याल भी रखना है, सब कैसे मैनेज करते हैं? बस सभी का सहयोग है, जैसे हमारे वार्ड में तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है जी, उसके तो हमारे वार्ड के अपने आप ही सभी लोग मिलकर हमारा पूरा सहयोग करते हैं, और साथ ही हमारे वो चेयरमैन में भी सहयोग कर रहे हैं, सभी साथ सुबह आ जाते हैं, 6 बजे आके आ जाते हैं, 6:30 आ जाते हैं, चलो ये चलें वार्ड में करें या शहर में कहीं और जाने हम साथ चलेंगे, तो पूरा वो सहयोग करते हैं। किससे देखते हैं ताऊ जी के, आपके ताऊ जी का मुकाबला शहर में? मुकाबला तो एक बार सभी से है जी, खुद ताऊ जी बोलते हैं मुकाबला तो मुकाबला ही होता है, बात इस पे ख़त्म होगी कौन जीतता है कौन हारता है, बस तो जीत आप ताऊ जी की मान के चलते हैं जी। ठीक है, आप आश्वस्त हैं अपनी जीत पर भी? हाँ जी। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ छाबड़ा साहब, जो कि बातचीत कर रहे थे वार्ड 8 से, इस बार दोबारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि INLD हमारी सबसे बड़ी पहचान है, मगर ये परिवार के तौर पर लड़ा जाने वाला चुनाव, जिसमें वो बेहद खास आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया है कि इस बार भी जीत उनकी पक्की होगी, चाहे विरोधी कुछ भी करते रहे, ये जरूर मानना पड़ेगा। हॉट सीट के तौर पर 8 और 9 वार्ड हैं, जहां पर हर पार्टी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, मगर ये तो नतीजों से ही क्लियर होगा कि सेंधमारी करने में कौन कामयाब रहा, कौन अपने गढ़ में सेफ और फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले कार्यक्रम में किसी नए वार्ड के पार्षद के साथ उनके विजन को लेकर फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।